गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल रोमिश शमीम। दोस्तों मैं इस वक्त जा रहा हूँ बहुत ही मारूफ फेमस शख्सियत से मिलने, जिनका नाम है मोहसिन जैदी। तो मोहसिन जैदी सर से मैं मिलूँगा उनके हाउस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम ले लिया है, तो चलिए करते हैं थोड़ा मीटअप शॉर्ट और मिलते हैं जैदी भाई से। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं मोहसिन सर के हाउस पर, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो है नॉक कर दिया है, पहुंचने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं जी? तो मैं पहुंच चुका हूं मोहसिन सर के हाउस पर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत घर बताया जाता है। जो लोग भी यहां पहुंचे हैं बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट टाइम पहुँचा हूँ जी। किधर चलना है? माशाल्लाह। तो सर पहुंचे थे, असल में थोड़ा सा जो है अपने बारे में वो खुद इंट्रोड्यूस करेंगे जस्ट अभी जो है। ये फैमिली को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो है कितने कुछ जो है कोर्स दिए गए हैं। वी हैव फन, वी गिव सेकंड चेंज, वी से आर सॉरी, वी मेक मिस्टेक, वी आर रियल। माशाल्लाह आप देख सकते हैं पूरे जीने पे जो है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पर कोर्स दिए गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है कॉन्सेप्ट है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हाउस के बारे में, इस ड्रीम हाउस के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा था अपने दोस्तों से, फ्रेंड से। और मोहसिन सर की जो फेसबुक आईडी है, मैंने ये सारी चीज़ें जो है फेसबुक पे भी देखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो है लाइव हूँ और सर मौजूद हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जो है फर्स्ट टाइम जो है मैं मिला हूँ मोहसिन सर से। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर नेट और में जो है स्पेशली चुनाव की बेस रही थी या सर छुट्टी थी जो पहुँचे लंदन से? नहीं, मैं यहाँ अमूमन आता ही रहता हूँ, साल में दो तीन राउंड तो मेरे कॉमन है जी। उसकी वजह यह है कि एक अटैचमेंट है मेरा अपनी फैमिली से और दोस्तों से जी, अपने कस्बे से जी। तो बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में ही रहता हूँ कहीं आसपास जी। तो मेरा कम से कम ये साल में तीसरी विजिट है, लास्ट ईयर में साल में तीन बार आया जी। उससे मेन वजह है कि मेरी फैमिली और मेरे अहबाब दोस्त जी। हाँ सर, मैं इसीलिए जो है आपसे ये सवाल करना चाह रहा था। बहुत से लोग जो है फॉर एग्जांपल नेटवर्क के और भी तमाम जो है हमारे जो है यंगस्टर जा चुके हैं, तो बहुत कम कनेक्शन रह गया है नेटवर्क से। माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि आपको ऐसे लगता है अगर कोई मिले तो शायद कहीं इंडिया में ही रहते हैं। जितनी बार जो है मतलब आप मोहब्बत करते हैं अपनी सरजमीन से और कंटिन्यू आपका आना होता है, मैंने इसीलिए जो है। तो कब आए थे सर और कितने दिन के लिए और कब वापसी है? मैं आया था लास्ट वीक आया हूँ जी, और एक्चुअली छोटे भाई बड़े भाई का इलेक्शन भी था मेंबर के लिए जी जी, जो काउंसलर के लिए वो लड़ रहे थे इलेक्शन जी। तो वो एक बहाना था, लेकिन मैं बहाने देखता रहता हूँ। कोई भी घर में शादी होती है किसी भी, चाहे दूर के रिश्ते की भी है, तो मैं आ जाता हूँ हमेशा जी जी। और मेन वजह भाई मैंने आपको बताया कि एक लगाव है, और क्योंकि अगर आप अपनी जड़ों से कट जाएंगे तो आपके बाद आपके बच्चे भी जी उस जड़ से बिल्कुल कट जाएंगे जी। अपने बच्चे को भी मैं चाहता हूँ अटैच रहें अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपने लोगों से, उनको पहचानो जी, कौन उनके चाचा हैं, कौन उनके ताए हैं, या कौन उनकी फैमिली क्या है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही है सर ने माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकल्लुफ शुरू हो चुका है। सर ने जो यहाँ पर जूस वगैरह रखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह मैं जो है थोड़ा सा जो है आपको एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। ये वो जगह जो आपने शायद जो है फेसबुक वगैरह में देखी होगी काफ़ी, ये है वो एक जो है सिटिंग। और यहाँ पर जो है आपने देखे होंगे अक्सर मोहसिन भाई और फ्रेंड्स वगैरह के फ़ोटो वगैरह यहाँ पे फेसबुक पे पड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह
बहुत ही खूबसूरत जो है ये हाउस है और बहुत लोग जो है माशाल्लाह तारीफ़ करते थे, तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है पहुँचना हो ही गया अल्लाह के शुक्र से, और मोहसिन सर से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जैदी साहब भी पहुँच चुके हैं, शॉप पे नहीं गए सर अभी? बस अब निकलने वाला हूँ। माशाल्लाह, तो मोहसिन भाई के बड़े भाई हैं। तो यहाँ पर जो है मोहसिन सर ने हमें एक बुक दी है जो मेरे हाथ में आप इस वक्त देख रहे हैं, शजरा बुक्स, नस्ब नामा सादात बिजनौर, जिल्द अव्वल, ज़बान उर्दू में है ये माशाल्लाह। तो इसमें थोड़ा सा जो है मैं खुद सर की ज़बानी पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं सर। ये शजरा जो है ये हमारे नेटवर्क के बहुत सारे लोग जो आजकल अमेरिका जी और कनाडा में सेटल हो गए हैं बहुत पहले जी, लगभग 50-60 साल पहले जी, तो उन लोगों ने इनिशिएट लिया शजरे का जी, और उन्होंने शजरा ये कनाडा में ये शजरा बना है जी, और इसके अंदर वो खुद बेचारों ने, मैंने बहुत उनको मदद की और खुद लोग उन्होंने बहुत कोशिश की जी। तो इसमें कोशिश की गई कि जितनी भी जो नई जनरेशन है जी, मेरे जो बच्चे हैं उन तक को इसमें उनका नाम उसमें दिया गया है जी। शजरे में पूरी हमारी हिस्ट्री है ख़ानदान की जी, कि 1400 साल से लेकर आज तक जी जितनी भी हम लोग जनरेशन चली आ रही है जी जी, और इसको आगे एक शजरा और बन रहा है अभी USA में। अच्छा, शिकागो में एक नेटवर्क से ताल्लुक़ रखते हैं जी, वो शजरा इंशाल्लाह 2-3 महीने में आने वाला है, पब्लिश होने वाला है जी। तो शजरे हमारे पूरे सादात नेटवर्क के सबके नाम, उनकी डिटेल सब है जी, और ये एक अच्छा लगता है अपनी हिस्ट्री जाने आप, और क्योंकि हम लोग आज आप पूछें परदादे के बाद शायद बहुत कम लोगों उनको उनका नाम मालूम जी, जी, बिल्कुल, लेकिन हम लोग इतने खुशकिस्मत है कि हमें अपनी सारी 1400 साल से लेकर अब तक की नस्लों के नाम पता है, बिल्कुल, और हम एटलीस्ट याद भी ना हो तो हम बुक से खोल कर बता सकते हैं जी जी। तो एक ये इस तरह की हिस्ट्री तो है सर, ये जो है ये फर्स्ट एडिशनल है, इसके बाद जो आप बता रहे हैं सेकंड जो है वो नेक्स्ट जी 2-3 महीने में, 2-3 महीने में जो है वो प्रिंट आउट पब्लिश हो जाएगा जी। तो इसमें जो है डिटेल दी गई है सर कब से कब तक, कि आप जो कह रहे हैं वो नेक्स्ट एडिशनल जो आएगा उसमें और लोगों को भी इसमें जो कह रहे हैं नया एडिशन जो आएगा उसमें मान लीजिए जो और सादात नए और नए बच्चे अभी पैदा हुए जी, उन सबके भी नाम इंक्लूड किए, उन सबके भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो उसमें सिर्फ नाम ही होंगे सर, इसके अलावा भी कुछ और? उनमें उनके नाम, उनके पेरेंट्स के नाम, जितनी भी फैमिली ट्री है जी, जैसे मेरी सिस्टर उनकी शादी कहाँ हुई जी, उनके हस्बैंड कौन, उनके बच्चे कौन, उन तक का उसमें जी। अच्छा, उसमें सब इंक्लूड किया जाएगा माशाल्लाह, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह। जैसा आपने कहा यकीनन वाकई में दादा परदादा तक बस एंड हो जाता है मामला उसके बाद, तो ये बड़ी अच्छी पहल है माशाल्लाह, बहुत अच्छी जो है ये जो है एक इन्फॉर्मेशन मिली है जैदी सर से। तो आप देख सकते हैं एक शजरा बुक जो है माशाल्लाह, इसमें जैदी सर का बच्चों तक के नाम है जी, ये बिजनौर का मैप है, टोटल बिजनौर का इसमें मैप है। तो सर नेटौर के अलावा भी इसमें जैसे आप पूरा डिस्ट्रिक्ट का कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के पूरे लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से लोग पाकिस्तान मूव कर गए पार्टीशन में जी, उनकी डिटेल सब है इसके अंदर जी। उसके अलावा जो लोग मैंने आपको बताया कनाडा में है, जर्मनी में है जी, अमेरिका में है, सबके डिटेल इसमें है। वो नेटवर्क के लोग अगर आप देखें तो नेटवर्क के लोग UK में भी हैं जी, USA में हैं, कनाडा में हैं, फ्रांस में हैं, जर्मनी में हैं जी, तो सब लोगों की डिटेल सबकी है। अगर कोई लोग हम लोग अगर जैसे कहते हैं लोग गुमनाम हो जाते हैं जी जी, जब आप यूरोप चले जाते हैं, USA चले जाते हैं, लेकिन हम अभी तक गुमनाम नहीं, गुमनाम नहीं, तो अभी शाकिब हमें फिर जड़े पता है हमारी शाकिब कहाँ कहाँ है, और वो जब चाहे उनके बच्चे अगर फ्यूचर में भी चाहे जानना अपने खानदान के बारे में जी, वो पूरा उनकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं आप। जैसा कि मोहसिन सर ने हमें बताया ये जो स्पेशलिटी होती थी ये अरबों में होती थी, अरबों के अंदर अपना जो है नसब नामे को जो है वो लोग बहुत ही बेहतर अंदाज से और जबानी हिफ्ज हुआ करता था। तो माशाल्लाह आज जो है थोड़ी सी झलक जो है वो लगी है यहाँ पर जो है हमें बताया है, ये एक बुक है जिसमें मोहसिन सर के बच्चों तक की पूरी डिटेल दी गई है, और नेक्स्ट जो है बुक या नेक्स्ट एडिशनल जो आने वाला है तो उसमें जो है टोटल इंक्लूड किया गया है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर को, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है ये। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक दो दादा परदादा तक जो है बात ख़त्म हो जाती है, इससे आगे हमें पता नहीं। मैंने खुद कई बार कोशिश की है, मैंने अपने वालिद साहब से पूछा मोहसिन सर और उसे भी पूछा, तो जैसा आपने बताया यकीनन दादा परदादा उसके बाद एंड हो जाता है। तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छा इस पर जो है काम चल रहा है। आप समझ सकते हैं तमाम लोगों को इंक्लूड करना, किसी किताब की शक्ल देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और जी जी, ये तो कितने पेज की बुक होगी, बहुत मोटी? 200 पेजेस की माशाल्लाह जो है ये बुक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माशाल्लाह, लेकिन काम देखें आप क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जरा सा झलक दिखाऊंगा आपको,
कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह रहे हैं जी, सब बायोग्राफी की सरकार के लोग थे। अच्छा अच्छा ये नेटवर्क जितने मकबरे अगर आप देखें जी, मैं दिखाता हूँ क्लोज कर, ये आप देख सकते हैं इसमें मुबारक महल है, बाराटोपी सरकार, और एक जो मकबरा ये जो आप देख रहे हैं ये भी ये वहाँ पर है सब्जी मंडी में, और एक ये मकबरा ये ईदगाह पर है, ये फोटो ये कहाँ का है मोहसिन सर, ये वाला ये मुबारक महल है। अच्छा ये मीरा के अच्छा सराय जो है वहाँ पर, ये मीरा की सराय, ये मुबारक महल है, ये माशाल्लाह 25-30 साल पुराना फोटो जी, ये रह गया शायद मेरी वीडियो में मैंने लिया था तो ये रह गया। इसमें और भी काफी पिक्चर्स वगैरह है, 2000 पेजेस की ये माशाल्लाह बुक है, टोटल शजरे इसमें दिए गए जी, फैमिली से पुरानी, ये देखिए ये बहुत 1928 का पिक्चर है, नेटवर्क 1928 मुबारक महल, मुबारक महल की ये देख सकते हैं आप, ए यूथ गैदरिंग एट मुबारक महल 1928 की जो है ये, और ये एक ये पिक्चर है माशाल्लाह। तो इसमें तो बहुत सारी यादें जो है मोहसिन सर, बहुत ज़्यादा जो है इसमें तो बहुत कुछ है, मुझे पहले नहीं मिल पाई है, मुझे तो बहुत सहायता मिल सकती थी, हेल्पफुल हो सकती थी ये बुक, मैंने कई जगह जो है ट्राई किया था, मुझे अभी पता चल पाया है फर्स्ट टाइम। ना उर्दू में जी लिखा वो भी माशाल्लाह, वो मेरे वाले साहब पाकिस्तान से लेकर आए थे जी माशाल्लाह। मोहसिन सर ने बताया बुखारा से जो है आपका कनेक्शन है, और बता रहे हैं जो हाथ से जिसको कातिब कहते हैं, तो किताबत जो है हाथ से, हाथ का भी शजरा जो है बता रहे हैं जो पाकिस्तान से लेकर आए थे अब के बुजुर्ग, वो भी उनके पास मौजूद है, वो शायद इस वक्त है नहीं। अच्छा वो नीचे है, इंशाल्लाह देख लेंगे हम, ऐड कर लेंगे इस व्लॉग में। तो माशाल्लाह बहुत ही, मैंने एक व्लॉग बनाया नेटवर्क की हिस्ट्री को लेकर के, मकबरों को लेकर के, टॉम नेटवर्क के, उस वक्त में मेरी जो है मुलाकात हो नहीं पाई थी, वीडियो के बाद शायद मोहसिन सर ने देखी हो, मेरी खुश नसीबी है तो जी, इसलिए जो है ये सारी चीज़ें वो सामने रख रहे हैं, तो शायद मैं पहले कर लेता तो कुछ और हो सकता था। तो इस बुक के एक पेज नंबर 262 में जो है यहाँ पर मोहसिन सर के जो है वालिद साहब मोहम्मद यूसुफ, वालदा जरीन और जरीना खातून जैदी और शगुफ्ता जैदी सिस्टर हैं। इसी तरह जो है आप नीचे आएंगे और आप देखेंगे शुएब हुसैन जैदी साहब के नीचे मोहतसिन हुसैन है और मोहसिन हुसैन जैदी जी, और ये देखें आपकी वाइफ फातिमा जैदी और रुकैया जैदी, सुमैया जैदी, अली हुसैन जैदी, और उसके बाद फिर ये शजरा जो है और नीचे तक जो है इसी तरह माशाल्लाह आप देख सकते हैं 2000 पेज की ये बुक है। इससे पहले जो है अगर आप देखें आप वाली साहब के, वाली साहब की तो यहाँ पर पीछे हिस्ट्री दी गई है, और इससे पीछे जाना चाहें तो माशाल्लाह ये जो है ये सिलसिला बता रहे हैं का ताल्लुक है। तो मैं ये समझता हूँ इस बुक का जो है बहुत बड़ा काम किया गया है, बहुत अहम बुक है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी मोटी बुक है, ये देखिए टोटल शजरा इसमें दिया गया है माशाल्लाह टोरंटो में बनाया जी, और ये जो देखिए टोरंटो ऑन्टेरियो कनाडा वहाँ पर जो है ये बुक तैयार की गई है माशाल्लाह, बहुत बड़ा काम है ये। ये ऑनलाइन भी आ गया है जी, अच्छा ऑनलाइन भी अवेलेबल, जिसको अगर ऑनलाइन चेक करना है जी वो ऑनलाइन जाकर सब पता कर सकते हैं। कौन सी साइट है सर ये? सादात की, अच्छा नाम से। अच्छा इसी नाम से है ये, है ना, जर्नलॉजी ऑफ सादात्स ऑफ बिजनौर, ये आप जो है ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, इसी नाम से ये साइट है, आप इस पर जा करके जो है, और कुछ अगर आपको देखना हो नेटवर्क की हिस्ट्री भी है इसमें काफ़ी कुछ, सादात हिस्ट्री अगर आपको चेक करनी है नेटवर्क की हिस्ट्री तो आपको जो है काफ़ी आसानी हो सकती है माशाल्लाह। तो जो है मोहसिन सर अब जो है टेरिस पे थोड़ा सा जो है चलते हैं और देखते हैं टेरिस से नेटवर्क के व्यूज, चलिए। तो यह है टेरिस के व्यूज, यहाँ पर जो है हट बनी हुई है एक, थोड़ा यहाँ पर जो है एक्सरसाइज का सामान रखा हुआ है, ये देखिए माशाल्लाह जैन मंदिर दिख रहा है आपको, ये देखिए सामने वो आप सामने देख सकते हैं जामा मस्जिद के मीनार, जैन मंदिर, और तो ये तो सर सेंटर मान लीजिए नेटवर्क का पूरा सेंटर जी, मैं आप कैमरे से दिखाता हूँ पूरा ये नेटवर्क। तो माशाल्लाह देखिए हम इस वक्त मौजूद है टेरिस पर, और माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जी पुराना घर है। अच्छा दीवार देखना जी जी जी, ये पुराना मकान
सर का, मोनिस सर का जो आप सामने देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये सामने, ये पुराना मकान। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ का इंटीरियर और यहाँ का जो मॉडिफाई किया गया है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये टेरिस्ट है, तो जब टेरिस्ट का ये है तो आप सोच सकते हैं कि रूम कैसे हो गए माशाल्लाह इस हाउस के। बहुत ही खूबसूरत मकान है। चलिए थोड़ा ये यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ की जो प्रेजेंटेशन है वो किसी ऐसे फाइव स्टार होटल की जो है थोड़ी सी जो है याद दिलाती है। अलग एक खास बात और है, अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग थीम में जो है यहाँ पर इंटीरियर वर्क किया गया है माशाल्लाह। ये टेरिस्ट है, टॉप में जो है इतना कुछ काम हो रहा है इंटीरियर का। बहुत ही खूबसूरत यहाँ की जो है लुक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मोहसिन सर के साथ टेरिस पर। जी जो सेंटर वाला हमारा आप शेड देखेंगे, देखिए जी जी जी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये साइंटिफिक है जी, तो ये इस तरह से एक्स्ट्रा लगाया गया, इसकी जरूरत थी नहीं हमें जी, लेकिन ये हवा का प्रेशर बढ़ा के नीचे फेंकता है दबाव जी, तो इसलिए आपको हवा इतनी तेज लग रही है जी। अगर आप बाहर जाएंगे आपको हवा नहीं लगेगी बिल्कुल, इस मतलब जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं अगर आप यहां से आउट में जाएं तो हवा इतनी नहीं लगेगी यकीनन। और यहां जब से हम आए हैं आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए, और ये जो यहाँ पर चिक टंगी हुई है ये भी बार बार हवा से जो है हिल रही है माशाल्लाह। ये जो है एक रीजन बताया यहाँ पर मोहसिन सर ने, वाकई जी ये पंखा भी मूव कर रहा है हवा की वजह से, इसकी दो तीन चलना जी सही बात, एसी वगैरह की किसी की जरूरत नहीं है, सही कह रहे। बात और है, हम जब से यहाँ बैठे थे सर के साथ कोई भी मक्खी मच्छर इस तरह की कोई आइटम नहीं दिखाई दी, इसके पीछे क्या रीजन है सर? ये आप देखिए राउंड है ना हमारा ये जी, राउंड शेप में अमूमन चौकोर होते हैं जी, स्क्वायर शेप जी में। जी तो ये नीचे देखो कुआ की तरह है, आप नीचे जाएंगे ना जी, बहुत बड़ा गहरा कुआ है जी, समझ गया 200 फीट ऊंचा जी, तो नीचे से जब वो प्रेशर पड़ता है ना गोल, और सामने हमारे राउंड राउंड है जी, आप दिखेंगे नीचे दिखाऊंगा जी, तो जब वो नीचे हवा घूम के आती है ना तो प्रेशर बन के वो बाहर निकलती है जी, नीचे वैक्यूम करती है, वैक्यूम करती है जी, तो उसमें मच्छी मक्खियाँ जी वो उड़ नहीं पाती, वो उसके वैक्यूम में आकर बाहर निकल जाती है, तो नीचे टिक नहीं पाती है जी। तो ये रीजन और एक बताया, कम से कम 200 फीट की ये ऊंचाई है, वो वैक्यूम टाइप जो हवा जब बाहर को प्रेशर रहता है तो मक्खी हो मच्छर हो इस तरह की जो है कोई चीज वो रह नहीं पाती है, उसके प्रेशर से जो है वो खुद ही जो है वहां से भाग जाती है माशाल्लाह। तो ये देख मैं दिखा दूं एक बार और आपको, देखिए माशाल्लाह इसको डिजाइन भी बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया, हट टाइप में जो है इसको बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत जी। ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं हट के, इसकी कोई जरूरत नहीं थी खास, ये जो अंदर हवा जो चल रही है ना, हवा जो लग रही है वो रीजन ये है इसको यहाँ देने का एक्स्ट्रा में माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं एक हट नुमा टेरिस पर। माशाल्लाह हम इस वक्त मौजूद है फर्स्ट फ्लोर पर, यहाँ पर देख सकते हैं आप किड्स के लिए हट है, यहाँ पर जो है कुछ राइड्स वगैरह झूले, और यहाँ पर जो है डेकोरेशन। ये पोर्शन सेम जो है सभी जगह ऐसा है, सर्कल में दिया गया है ऊपर से नीचे तक, और एक सर्कल ये फाइनली। तो ये वैक्यूम का काम करता है जो अभी मोहसिन सर बता रहे थे ना, तो इसका रीजन यही है माशाल्लाह। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, तो हर फ्लोर का यहाँ पर जो है माशाल्लाह अलग थीम है और अलग जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये अलग थीम है। तो सर ये फोटो किन का है? ये वालिद वालदा है, यूनुस साहब और वालदा है, और ये मोहसिन सर का पुराना फोटो है। ये कांधे पर कौन है? ये मेरी बेटी है। अच्छा माशाल्लाह बड़ी बेटी है, 13-14 साल जी माशाल्लाह। तो ये कुछ पुरानी यादें माशाल्लाह यहाँ पर लगी हुई है, और ये वालना है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं हर फ्लोर पे अलग ही थीम दी गई है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। इधर जो है सिटिंग, हम इस वक्त हैं ग्राउंड फ्लोर पर, आप यहाँ की देखिए सेम फ्लोर और चेंजिंग, आप जैसे जैसे देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे कुछ है, सेकंड फ्लोर पे कुछ और टॉप पे कुछ, तो हर रूम की जो थीम जो है माशाल्लाह अलग दी गई है। बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पर जो है नेटवर्क है, ये मैंने जो है
सुना ही था, आज फर्स्ट टाइम जो है विजिट किया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हाउस है जी। वो जो आप देख रहे हैं सामने, ये बर्ड्स हाउस है, बर्ड्स यहाँ पर रहती है जी। और ये देखिए एक ही है ऊपर भी है माशाल्लाह, एक ही है आपको भी है और एक ही आप आएंगे जी जी। तो यहाँ पर माशाल्लाह जो है एक बगीचा नुमा कह लीजिए। सर इसका आप जिक्र कर रहे थे, इस वाले प्लांट का, ये फिटो प्लांट है, फिटो प्लांट एवोकेटो, एवोकेटो ये अमरूद होता है ना, अमरूद की तरह होता है फल जी, ये कहा जाता है, ये यूरोप में बहुत होता है जी। ये कहते हैं इसका फल ऐसा होता है कि अगर आपने 10 फल खा लिए जी तो आपको अगर कीमोथेरेपी 6 होनी है आपके, फिर 3 ही होंगी। अच्छा, और कैंसर होने नहीं देता ये, अगर फर्स्ट स्टेज कैंसर है, अगर आपने 10-15 फल खा लिए जी तो खत्म हो जाता है। तो सर ऐसा ना हो जाए कि फिर फल की यहाँ जो है आने के लगे लोग फल लेने के लिए, ये साइंटिफिक है। अच्छा अच्छा, तो आप देखते हैं कीवी और एवोकेडो जी, ये कैंसर में बहुत प्रोटेक्शन देते हैं बॉडी, कीवी भी जी। अच्छा अच्छा, तो ये एवोकेडो का प्लांट्स है आप जो देख रहे हैं माशाल्लाह, इस पे अमरूद नुमा जो है एक फ्रूट आता है, जो कीमोथेरेपी में जो है अगर आपकी 5 होनी है तो 3 ही हो पाएगी अगर आप इस फ्रूट का यूज करें तो माशाल्लाह। तो बहुत ही यूजफुल है सर ये, और कीवी भी जो है बहुत यूजफुल बताते हैं। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का एक छोटा सा गार्डन, और माशाल्लाह बाकायदा ऊपर भी जो है बर्ड्स हाउस हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे भी माशाल्लाह एक ही है, और एक इसके ऊपर है और एक ही है। ये स्पेशली जो है बर्ड्स के लिए जो है यहाँ पर मोहसिन सर ने और भाई ने किया है इंतज़ाम माशाल्लाह। इस वक्त जो मोहसिन सर यूज़ कर रहे हैं वो वर्चुअल रियलिटी यूज़ कर रहे हैं, जो आपने देखा होगा दुबई में जो फ्यूचर म्यूज़ियम है उस टाइप का 3D जिसको बोलते हैं। तो आने वाला समय जो है वो VR का ही रहेगा। तो थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट इसका मुझे सर समझा रहे थे, और मैंने भी देखा है, बहुत ही क्लियरिटी बिल्कुल सामने महसूस हो रहा है। तो अगर इसको VR को आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम उस स्पॉट पर, उस प्लेस पर मौजूद हों। माशाल्लाह इस VR पे सर ने हमें YouTube भी दिखाया, मैंने खुद अपनी वीडियो देखी है। तो लेकिन VR और YouTube बहुत ज़्यादा चेंज है, दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत अलग हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है VR में। तो सर बता रहे हैं VR में जाने के लिए एक कैमरे की ज़रूरत होती है, और उसके अलावा कुछ नहीं, कोई ख़ास नहीं। ये इक्विपमेंट तो बहुत एक्सपेंसिव है जो सर ने लगा रखा है ना अपने आईज पर, ये बहुत महंगा है, 1.5-1.5 लाख रुपये का ये जो है इक्विपमेंट है। लेकिन कैमरा इसका बहुत नॉर्मल ही 20-30 हज़ार रुपये का आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर से चाय का वादा था, लेकिन मुझे पिलानी थी, मैं चाह रहा था कि मेरे गरीब खाने पे वो पहुँचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, तो ये भी अपना घर है। तो चाय माशाल्लाह हमारी आ चुकी है, थैंक यू सर। तो सर हमने जो शुरुआत की है वो टॉप से की है, टॉप और सेकंड और फर्स्ट, उसके बाद जो है ग्राउंड फ्लोर। माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, मक्खी मच्छर नामो निशान को नहीं है ढूंढना पड़ रहा है जी, बिल्कुल कुछ नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत जो है ये हाउस है, फर्स्ट टाइम मेरा विजिट हुआ है, और मैं जो हूँ बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का कि मुझे जो है इजाज़त दी और थोड़ा सा वक्त मुझे दिया बातचीत करने के लिए। माशाल्लाह बहुत ही नेक दिल, बहुत ही सोशलिस्ट जो है मोहसिन जैदी सर, माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं, मुझे पहले से भी पता था, लेकिन मिल करके जो है बहुत यकीन हो गया। आप जैसी शख्सियत हैं, आप दिल के उससे ज़्यादा जो है बड़े हैं, वसी हैं माशाल्लाह। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर दें। शर्मिन साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब हम लोग बाहर होते हैं तब नेटवर्क को, कुछ लोग पुराने ना आपकी शादी में देखी जी, तो पुराने लोग जैसे सलीमों का भाई थे जी, जो उनको मैम बचपन में देखा था उनको, या हम लोग चले गए बहुत कम मिलते हैं देखने को जी, वो फेस मिलते हैं बहुत खुशी होती है देखकर जी। तो एक आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग नेटवर्क में ही हैं जी बिल्कुल। और ये आपको, आप इनका चैनल सब्सक्राइब करिए और उनको सपोर्ट करिए जी, और उम्मीद है इंशाल्लाह इनका चैनल बहुत आगे जाएगा, ऑल द बेस्ट माशाल्लाह। तो इन्हीं दुआओं के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।